अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शहबाज बलोच। आज मेरे साथ मेरा कज़न है बासित बलोच। तो दोस्तों आज जो है हम जा रहे हैं रशियन बीच, वहाँ पे एक दरगाह भी है अगर शाहसन बाबा। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं नेशनल हाईवे पे, तो सामने एक अगर पाटेक का पुल। तो ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से कराची की हद भी ख़त्म हो जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट अड्डा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम आपको रास्ता भी गाइड करते जाएंगे रास्ते में कि क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो दरगाह में पहुँच के, और रशियन बीच के बारे में मालूम आपको देंगे कि फैमिली के साथ आप आ सकते हो, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, पिकनिक पॉइंट है। तो दोस्तों अभी हम जो है ना मिल एरिया के साइड पे घुस चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको गाइड करता हूँ, जैसे अगर आप कराची से यहाँ पे पिकनिक पॉइंट पे आ रहे हो शाहसन दरगाह और रशियन बीच की तरफ, तो आपको इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फोर्ट कासिम मेन गेट से घुस जाना पड़ेगा। अगर किसी भाई को रास्ता नहीं पता है तो वो यहाँ भी आ सकता है, कोई काम वगैरह हो तो लिहाज से भी आ सकता है। अगर हमारे जो है ना कोस्ट गार्ड क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड के पास हमें वीडियो भी बना सकते थे दोस्तों। ये मतलब कोस्ट गार्ड से लेके ये मज़ार तक जो है ना 1 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन होगा, और रोड भी इतना ख़राब नहीं है कि लोग डरेंगे रोड कच्चा है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा वगैरह, तो यहाँ पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आप खुद भी रोड वीडियो के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल VIP रोड है। पक्का रोड तो नहीं है जैसे शहरों के अंदर है, लेकिन जैसे देहात के मामले में ये रोड बड़ा बेहतरीन है। तो दोस्तों अभी हम थोड़े गलत रास्ते से घुस गए, हमें जाना था लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ घुस गए, लेकिन इतना ज़्यादा मिट्टी भी नहीं था, नॉर्मल था कि बंदा निकल सकते हैं वहाँ से, लेकिन टाइम तो लग गया। और मिट्टी, इस मिट्टी में कोशिश तो ये करना है मिट्टी में फंसना नहीं है, आपको सीधे जाना है, और थोड़ा सा 1 मिनट का रास्ता लंबा पड़ जाता है आपको वहाँ से आने। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाम भी आती है, पिकनिक पॉइंट पे फैमिली वगैरह भी आते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने पॉइंट पे, हम आपको गाइड करेंगे आप कैसे यहाँ आ सकते हो और क्या क्या पिकनिक पॉइंट है, मतलब क्या क्या आप कर सकते हो। दोस्तों अभी इस वक्त यहाँ पे इतनी फैमिली तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे शाम के टाइम पे फैमिली आते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे फैमिली आए हुए अपने पिकनिक इंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो दोस्तों ये पीछे समुंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों के लिए इंजॉय करने के लिए बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ है, नाइट स्टे भी कर सकते हो और यहाँ पे शिकार भी कर सकते हो। अगर कश्ती वाले आपको मिल जाते हैं, कश्ती वाले भी यहाँ पे होते हैं, पीछे की तरफ खड़े होते हैं, तो जिस तरह से हम लोग आ रहे थे वहाँ पे आप किसी कश्ती वाले बैठे होते हैं, उनसे बात करोगे तो कश्ती वाला आपको ले भी जाएगा शिकार वगैरह में भी। तो यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी शिकार पर जा सकते हो, क्योंकि पानी इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा पानी है, जैसे बड़े समुद्र के पानी के हिसाब से बहुत ही छोटा है ये, और ये छोटा सा नहर है। समुंदर तो पीछे की तरफ से आता है, चाहे बड़ी बड़ी कश्ती है, तो फोर्ट कासिम का समुंदर ये थोड़ा छोटा सा नहर है, समुंदर नहीं है। तो ये समुंदर बहुत से दूर जगहों पे भी जाता है। तो आज मेरे साथ मेरा कज़न है, तो ये मुझे कह रहा था कि बाइक पर जब आ रहे थे तो ये कह रहा था समुंदर पार करूँगा मैं, तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरह समुंदर पार करेगा भाई, बड़े इश्क में डूबा हुआ है पता नहीं क्या भाई, किस तरह समुंदर पार करोगे। दरअसल बात ये है कि मेरी जो एक GF है तो उसने सिद्धार्थ मूवी देख ली थी, तो उसमें जो एक सीन होता है कि भाई लड़का तैर के समंदर पार करता है, पार नहीं करता, उसमें बीच में ही डूब जाता है। तो मेरी जो GF है उसने बोला था कि आप पार कर सकते हो नहीं, तो उसने बोला आप जो सिद्धार्थ वाली मूवी का जो लड़का है उसी की टाइप लगते हो, तो मैंने बोला ट्राई करता हूँ, तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते होगा या नहीं। तो भाई उसको छोड़ दो, वो एक एक्टिंग था, नहीं मेरी रियलिटी का एक्टिंग था, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है, ना कैमरामैन होगा ना मैं होऊंगा। मैंने उसको बोला है, मैं खत भी लिख के आया हूँ कि अगर मैं डूब गया जिम्मेदार वही होगी, क्यों वो मुझे फोर्स करिए, मैं नहीं कर रहा। ये ऐसा दौर है ना, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए दे दे, आपके पीछे फैमिली चल जाए। अभी वो लड़की ने क्या आपको पैसे वगैरह दे गया, आप मर गए तो नहीं, मेरे घर वालों को एक दुकान दे देगी, मैं तो निकलना निकम्मा हूँ, कोई काम करने धंधे वाला हूँ नहीं, तो इससे एक दुकान देने को कमा के भी दे देगा, दुकान अगर बेच देंगे 1 करोड़ मिल जाएगा। तो यार दरअसल आपका कहने का मकसद ये है, आप काम भी करोगे 10,000 रुपये कमाओगे, अगर दुकान आपका किराए पर होगा तभी 10,000 रुपये कमाओगे। ऊपर देखा वो तो मैं 10,000 मुश्किल से कमा लूँ। तो आपकी हिंदी बड़ा फजूल है उस्ताद, आप ट्राई करके देख लो। तो वही मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ये है हजरत शाहसन सरकार का मज़ार। और ये इनकी कब्र मुबारक।
दोस्तों अभी हम दरगाह के बैक साइड पे आए हुए हैं। तो दरगाह जो है ना थोड़ा ऊपर है बीच से, तो अब बीच के पीछे का व्यूज़ देख सकते हैं हम। थोड़ा ऊपर के साइड पे बैठे हुए तो बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत सा व्यूज़ आ रहा है। यहाँ पे अपने लोग फैमिली के साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। अभी इस वक्त कुछ फैमिलीज आए हुए हैं और ज़्यादातर फैमिलीज शाम के टाइम आते हैं सनसेट इंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों ये एक ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट भी है और एक ज़बरदस्त फिशिंग पॉइंट भी है। यहाँ पे लोग शिकार के हवाले से भी आते हैं, शिकार करके चले जाते हैं। और यहाँ पे पिकनिक पॉइंट भी इस लिहाज से इसे लोग शाम के टाइम आते हैं सनसेट इंजॉय करने के लिए। दोस्तों हमारे काफ़ी दोस्त जगह के बारे में जानते हैं कि जगह का नाम रशियन बीच है, लेकिन इस जगह का नाम रशियन बीच क्यों पड़ा तो ये हमारे दोस्त बहुत सारे दोस्त इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन इसकी छोटी सी हिस्ट्री है कि इस जगह का नाम रशियन बीच क्यों पड़ा। तो दोस्तों जब पाकिस्तान स्टील मिल का तामीराती काम चल रहा था तो रशिया से लोग आए हुए थे, तो वो अपने फैमिलीज के साथ आए हुए थे, बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। तो वो यहाँ पे संडे को मतलब वीकेंड को यहाँ पे आते थे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए इस जगह पे। तो ये दरगाह शरीफ तो पहले से यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इस जगह का नाम रशियन बीच नहीं था। तो वो यहाँ पे आते थे, इंजॉय करते थे फैमिलीज के साथ, इस वजह से इस जगह का नाम रशियन बीच रख दिया है। उस वक्त इस जगह पे जो है ना मकामी बंदे के अलावा किसी और को अलाव नहीं था। मकामी बंदे क्योंकि यहाँ पे रिहायशी थे, उनके घर पास थे तो उनका अलाव था, और किसी और का अलाव नहीं था। लेकिन अभी उनके जाने के बाद तो ये पिकनिक पॉइंट बन चुका है। कैसा लग रहा है पानी में आके? क्योंकि जो दूसरे जो समंदर होते हैं वहाँ पे जैसे कंजर झील हो गया, दूसरे जो आक्सपे मार्क्सपे की तरफ हो गए, कंजर झील में जाओगे अब आपको पत्थर लगेंगे, आप अगर चप्पल के नहा नहीं सकते, अगर नहा लोगे तो आपके पैर मेर कटेंगे। अगर आप आक्सपे मार्क्सपे चले गए तो वहाँ पे रेती ऐसी है, आप कीचड़ के बगैर वापस आके पैर धोना पड़ेगा। यहाँ की रेती ऐसी है मतलब समंदर में आप जाओ रेती इतनी साफ सुथरी रहती है, आप जैसे नहाओगे निकलोगे आप साफ सुथरा ही निकलोगे, बस गीले हो गए और कुछ नहीं। और बाकी मैं जो घर में बैठा हुआ था मैंने बोला टाइम पास नहीं हो रहा, चलो चला जाता हूँ इनके साथ ब्लॉग बनाने के लिए आज, तो आज मैं आया, मेरे को आश्रम तो मज़ा नहीं आ रहा जैसे यहाँ पे, तो बड़ा अच्छी फीलिंग हो रही, बस एक चीज़ बुरा लग रहा है यहाँ पीछे बैठ के लोगों को देख रहा हूँ अपनी जीएम ये गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बाकी ये जगह बहुत बेहतरीन है घूमने के लिए, देखिए बहुत ज़्यादा जलन हो रही, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही कि मेरे पास क्यों नहीं है, मतलब साथ क्यों नहीं है मेरे साथ यहाँ पे, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको वाफिद भाई ने बताया जैसे ये जल्दी तिक्का बन जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अब इंसानी तिक्का आपको देखना हो तो बाद में देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग पे, मैं हूँ शहबाज बलोच, मेरे साथ थे मेरा कज़न बासित। अपने और अपने फैमिली का खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।